सो हेलो गाइस, आज हमारे सामने हुंडई वेन्यू N-Line। आज हम इसका वोकल ऑन वीडियो बनाने वाले हैं। हम बात करेंगे इसका इंटीरियर, एक्सटीरियर, इसका प्राइस एंड इसके फीचर्स के बारे में। सो सबसे पहले इसके प्राइस की बात करें तो इसका एक्चुअल प्राइस है 12,67,000 एंड इसका ओनर प्राइस है 14,32,000। सो वो कदम स्टार्ट करते हैं की से। N-Line में आपको स्मार्ट कीज देखने को मिल जाती है। की के ऊपर आपके मिल जाएंगे लॉक, अनलॉक, होल्ड टू बूट अनलॉक एंड होल्ड टू इंजन स्टार्ट एंड स्टॉप बटन। कीज़ आपको यहाँ पे क्रोम एंड ब्राउन फिनिश में देखने को मिलती है। एंड अब गाड़ी के फ्रंट प्रोफाइल की बात करें तो आपको यहाँ पे काफ़ी बोल्ड लुक्स मिल जाते हैं। फ्रंट का डिज़ाइन आपको यहाँ पे काफ़ी बढ़िया देखने को मिल जाता है। यहाँ पे फ्रंट में आपको मिल जाएंगे प्रोजेक्टर बेस्ड हेडलैम्प्स। लो बीम एंड हाई बीम के लिए आपके यहाँ पे प्रोजेक्टर मिल जाएगा। और आपके यहाँ पे कॉर्नरिंग लैम्प भी दिया गया है। हेडलैम्प्स के अराउंड आपके यहाँ पे DRS मिल जाएंगे। ऑल्सो हेडलैम्प्स के अराउंड आपके यहाँ पे क्रोम एंड ग्लोज ब्लैक फिनिश भी दी गई है। और हेडलैम्प्स के ऊपर आपके यहाँ पे मिल जाएंगे इंडिकेटर्स जो कि हैलोजन बेस्ड है। ऑल्सो इंडिकेटर्स के अराउंड भी आपके यहाँ पे ग्लोज ब्लैक फिनिश मिल जाती है। एंड अब ग्रिल की बात की जाए तो आपको ग्रिल क्रोम एंड ग्लोज ब्लैक फिनिश मिलती है। क्रोम के इंसर्ट्स मिल जाएंगे आपके यहाँ पे ग्रिल में जो कि देखने में काफ़ी बढ़िया लग रहे हैं। यहाँ पे आपको मिल जाएगी N-Line की बैजिंग और सेंटर में आपको हुंडई का लोगो मिल जाएगा। एंड यहाँ फ्रंट बम्पर के ऊपर आपको रेड इंसर्ट भी देखने को मिल जाते हैं। फ्रंट बम्पर आपको यहाँ पे सिल्वर फिनिश में देखने को मिलता है। एंड अब साइड प्रोफाइल की बात की जाए तो आपको साइड प्रोफाइल से भी काफ़ी मस्कुलर एंड स्पोर्टी लुक्स मिल जाते हैं। साइड प्रोफाइल से भी आपको काफ़ी बढ़िया लगने वाली है वेन्यू N-Line। और अब व्हील्स की बात की जाए तो आपको व्हील्स में एलॉय व्हील्स मिल जाएंगे। डायमंड कट एलॉय व्हील्स मिल जाता है आपको N-Line में। एलॉय व्हील्स का साइज मिल जाता है आपको यहाँ पे 215/60/R16। और सो आपको यहाँ पे रेड कैलिपर्स भी देखने को मिलते हैं हुंडई N-Line में। साइड प्रोफाइल में भी आपको यहाँ पे रेड इंसर्ट देखने को मिल जाएंगे। रेड इंसर्ट्स आपको यहाँ पे व्हील आर्चेस एंड ऑल्सो साइड क्लैडिंग में भी देखने को मिलते हैं। और यहाँ पे आपको मिल जाएगी N-Line की बैजिंग एंड टर्न इंडिकेटर्स आपको ओरियंस में मिल जाएंगे। ओरियंस आपको ग्लोज ब्लैक फिनिश में देखने को मिलते हैं। ANC व्हील्स भी आपके यहाँ पे ग्लोज ब्लैक फिनिश में दिया गया। और रूफ के ऊपर आपको यहाँ पे शार्क फिन एंटीना मिल जाता है। एंड ऑल्सो रूफ रेल्स भी आपके यहाँ पे ग्लोज ब्लैक फिनिश में मिलती है। रूफ रेल्स के ऊपर भी आपके यहाँ पे रेड इंसर्ट दिए गए जो कि काफ़ी बढ़िया लग रहे हैं देखने में। और अब बैक प्रोफाइल की तरफ चलें तो आपके यहाँ पे बैक प्रोफाइल से भी काफ़ी ब्यूटीफुल लुक्स मिल जाते हैं। बैक प्रोफाइल का डिज़ाइन भी आपके यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा स्पोर्टी लगने वाला है। हालांकि फ्रंट एंड बनाने में पता नहीं क्या हो जाता है हुंडई को, वैल ये सब छोड़ते हैं। और टेल लैंप्स की बात किया तो आपको LED बेस्ड टेल लैंप्स मिल जाएंगे N-Line में। ब्रेक लाइट तो आपको LED दी गई है बट आपको यहाँ पे इंडिकेटर रिफ्लेक्टर बेस्ड मिलते हैं। ऑल्सो कनेक्टेड टेल लैंप्स मिलते हैं आपको वेन्यू में जो भी काफ़ी बड़े लगते हैं देखने में। और टेल लैंप्स के अराउंड आपको यहाँ पे ग्लोज ब्लैक फिनिश भी दी गई है। और यहाँ नीचे आपको मिल जाएंगे रिफ्लेक्टर्स। रिफ्लेक्टर्स के नीचे आपको रिवर्स पार्किंग लाइट मिल जाती है। और रियर बम्पर के ऊपर आपको यहाँ पे 2 रिवर्स पार्किंग सेंसर्स मिल जाएंगे। वेन्यू में भी आपको यहाँ पे 2 रिवर्स पार्किंग सेंसर्स भी दिए गए हैं। और यहाँ रियर बम्पर के नीचे आपको सिल्वर कलर की क्लैडिंग मिल जाती है। ऑल्सो रियर बम्पर के ऊपर भी आपको यहाँ पे रेड इंसर्ट देखने को मिल जाएंगे। एंड आपको यहाँ पे 2 एग्जॉस्ट टिप्स मिल जाती हैं। एग्जॉस्ट टिप्स काफ़ी बढ़िया लग रही है देखने में। इसकी आवाज़ चेक करेंगे एक बार। चलो आगे, यहाँ पे आपको N-Line की बैजिंग मिल जाती है एंड यहाँ पे आपको वेन्यू की बैजिंग मिल जाती है। और उसके ऊपर आपको हुंडई का लोगो मिल जाएगा। और रियर विंडशील्ड के ऊपर आपको वाइपर एंड डिफोगर दिए गए। और हाई स्टॉप लैंप आपको यहाँ पे मिल जाता है। ऑल्सो वेन्यू में आपको यहाँ पे स्पॉइलर भी दिया गया। स्पॉइलर भी आपको यहाँ पे ग्लोज ब्लैक फिनिश में मिलता है। तो चलिए अब देख लेते हैं वेन्यू का बूट। बूट ओपन करने के लिए आपको यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बटन मिल जाता है। एंड अब बूट स्पेस की बात की जाए तो आपको यहाँ पे काफ़ी बढ़िया बूट दी गई है। वेन्यू में भी आपको यहाँ पे रेक्टेंगुलर शेप में मिल जाती है बूट। पूरी तरह से यूटिलाइज कर सकते हैं आप बूट को। और अब स्पेयर व्हील की बात की जाए तो आपको यहाँ पे स्पेयर व्हील स्टील रिंग में दिया गया है जो कि छोटे साइज का है। 15 इंचेस का मिलता है स्पेयर व्हील। और बूट में आपको यहाँ पे पास ट्रे मिल जाएगी एंड राइट साइड आपको लाइट दी गई है। और बूट डोर के ऊपर आपको यहाँ पे इंसुलेशन मिल जाती है। इंसुलेशन आपको प्लास्टिक में मिलती है। और यहाँ पे आपको डोर क्लोज करने के लिए स्पेस भी दिया गया। सो चलिए अब देख लेते हैं हुंडई वेन्यू का इंटीरियर। ड्राइवर साइड डोर के ऊपर आपको यहाँ पे मिल जाते हैं ORM के कंट्रोल। ORM आपको इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल देखने को मिलते हैं। ऑल्सो ORM इलेक्ट्रिकली रिट्रैक्टेबल भी दिए गए। यहाँ पे आपको मिल जाएंगे लॉक अनलॉक बटन एंड ड्राइवर साइड विंडो आपको यहाँ पे ऑटो अप एंड डाउन फीचर के साथ मिलती है। ऑल पावर विंडोज मिल जाती है आपको यहाँ पे। और यहाँ पे आपको मिल जाएगा चाइल्ड लॉक बटन एंड यहाँ पे आपको डोर क्लोज करने के लिए स्पेस दिया गया है। और उस डोर के ऊपर आपके यहाँ पे लेदर लाइट फिनिश भी दी गई है।
लेदर के ऊपर आपको यहाँ पर रेड स्टिचिंग्स भी मिल जाती हैं जो कि काफ़ी बढ़िया लग रही है देखने में। एंड यहाँ पे आपको मिल जाते हैं डोर हैंडल्स आपको ग्रे फिनिश में मिलते हैं और यहाँ पे आपको ट्विटर्स दिए गए हैं और यहाँ नीचे आपको मिल जाएंगे बोटल होल्डर एंड कुछ स्पेस। यहाँ पे आप 1 लीटर की बोटल रख पाएंगे और यहाँ पे आपको स्पीकर मिल जाता है। एंड डैशबोर्ड के ऊपर आपको यहाँ पे मिल जाता है पुश इग्निशन बटन के दौरान आपको यहाँ पे ग्लो ब्लैक फिनिश भी दी गई है। यहाँ पे आपको मिल जाएंगे आइडल इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन, यहाँ पे आपको ट्रैक्शन कंट्रोल बटन मिल जाता है और यहाँ पे आपको मिल जाएगा हेडलैम्प डायलिंग स्विच। एसी वेंट्स के दौरान आपको यहाँ पे ग्लोस ग्रे फिनिश मिल जाती है। ऑल्सो एसी वेंट्स के ऊपर भी आपको यहाँ पे रेड ट्रीटमेंट दिया गया जो कि काफ़ी बढ़िया लग रहा है देखने में। इंटीरियर की बात की जाए तो आपको यहाँ पे ऑल ब्लैक इंटीरियर देखने को मिलता है विद रेड इंसर्ट्स। इंटीरियर आपको यहाँ पे काफ़ी बढ़िया देखने को मिल जाता है, काफ़ी ज़्यादा स्पोर्टी लग रहा है इंटीरियर देखने में। और अब स्टीयरिंग व्हील की बात की जाए तो आपको यहाँ पे 3-spoke स्टीयरिंग मिल जाता है। स्टीयरिंग व्हील आपको यहाँ पे पकड़ने में काफ़ी बढ़िया फील होता है। ऑल्सो लुक्स में भी ये काफ़ी बढ़िया दिया गया है। यहाँ पे आपको मिल जाएगी एनलाइन की बैजिंग और यहाँ पे आपको ग्लोस ग्रे फिनिश भी दी गई है। स्टीयरिंग व्हील आपको यहाँ पे लेदर फिनिश में मिल जाएगा विद रेड स्टिचिंग्स। स्टीयरिंग के लेफ्ट साइड आपको यहाँ पे मिल जाएंगे इंफोटेनमेंट के कंट्रोल्स। यहाँ पे आपको मिल जाएगा वॉइस कमांड मोड, वॉल्यूम कंट्रोल्स, ट्रैक और यहाँ पे आपको कॉल एंड फेवरेट के कंट्रोल मिल जाएंगे। और अब स्टीयरिंग की एडजस्टमेंट्स की बात की आपको यहाँ पे सिर्फ टिल्ट एडजस्टेबल मिलता है स्टीयरिंग व्हील, टेलीस्कोपिक एडजस्टेबल नहीं दिया गया स्टीयरिंग व्हील। स्टीयरिंग के राइट साइड आपको यहाँ पे मिल जाते हैं MID एंड क्रूज कंट्रोल के बटन्स। यहाँ से आप MID को कंट्रोल कर सकते हैं और यहाँ पे आपको क्रूज कंट्रोल के बटन्स मिल जाएंगे। इस बटन से आप स्पीड सेट कर सकते हैं, यहाँ पे पॉज एंड रीबूट और यहाँ से आप क्रूज कंट्रोल को एक्सेस कर सकते हैं। क्लस्टर की बात की आपको यहाँ पे ऑल डिजिटल क्लस्टर देखने को मिल जाता है। लेफ्ट साइड आपको मिल जाएगा स्पीड एंड राइट साइड आपको टैकोमीटर मिल जाता है। बीच में MID की बात की आपको यहाँ पे मिल जाती है ड्राइव इन्फो, सेटिंग्स, टैप प्रेशर मॉनिटर। ड्राइव इन्फो में आपको यहाँ पे मिल जाते हैं एवरेज, एक्युमुलेटेड इन्फो और यहाँ पे आप अपना लैप टाइम वगैरह भी सेट कर सकते हैं। काफ़ी बढ़िया फीचर मिल जाता है आपको यहाँ पे स्पोर्टिनेस के हिसाब से और भी काफ़ी ज़्यादा फीचर मिल जाते हैं आपको यहाँ पे सेटिंग्स वगैरह में, अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं वो सब आप। स्टीयरिंग के लेफ्ट साइड आपको यहाँ पे मिल जाएंगे वाइपर्स कंट्रोल और राइट साइड आपको हेडलाइट्स के कंट्रोल मिल जाते हैं। एंड लाइन में आपको ऑटोमेटिक हेडलाइट्स भी देखने को मिल जाते हैं। ऑल्सो आपको स्टीयरिंग में पैडल शिफ्टर्स भी दिए गए हैं। और अब इंफोटेनमेंट की बात की जाए तो आपको यहाँ पे 8 इंच की टच स्क्रीन मिल जाती है विद एंड्रॉयड ऑटो एंड एप्पल कारप्ले। मेन स्क्रीन में आप देख सकते हैं रेडियो, यहाँ पे आपको कनेक्टिविटी सेटिंग्स मिल जाती हैं। मेन मेन्यू में आपको यहाँ पे मिल जाएंगे फोन प्रोजेक्शन, वॉइस मेमो, रेडियो, मीडिया, क्वाइट मोड, मैनुअल एंड सेटिंग्स। सेटिंग्स में आपको यहाँ पे वही सेटिंग्स मिल जाती हैं जो आपको बाकी हुंडई की गाड़ियों में देखने को मिलती है। वाईफाई का सपोर्ट भी मिल जाता है आपको यहाँ पे, मतलब कि वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो भी एक्सेस कर सकते हैं आप यहाँ पे, ये भी काफ़ी बढ़िया फीचर मिल जाता है। वेल, ये काफ़ी ज़्यादा रिस्पॉन्सिव स्क्रीन है, काफ़ी बढ़िया फीडबैक मिलता है आपको हर एक टच पे। बट हाँ, यहाँ पे ये UI थोड़ा सा ओल्ड लगने लगा है अब, बट हाँ काफ़ी बढ़िया स्क्रीन दी गई है। स्क्रीन के अराउंड आपको यहाँ पे ग्लोस ब्लैक फिनिश मिल जाती है और स्क्रीन के नीचे आपको यहाँ पे फिजिकल कंट्रोल मिल जाएंगे स्क्रीन के। यहाँ पे आपको ट्रैक कंट्रोल मिल जाते हैं, बीच में सेटअप, सेटिंग्स, फेवरेट, ट्रैक चेंज, मीडिया और यहाँ पे आपको रेडियो कंट्रोल्स मिल जाएंगे। और राइट साइड आपको वॉल्यूम कंट्रोल मिल जाता है, इसके नीचे आपको यहाँ पे ग्लोस ब्लैक फिनिश दी गई है। और यहाँ पे आपको मिल जाएगा हजार्ड लैंप बटन एंड यहाँ नीचे आपको मिल जाते हैं AC कंट्रोल्स। ऑटोमेटिक AC मिल जाता है आपको एन लाइन में। लेफ्ट साइड आपको मिल जाएंगे फैन स्पीड, बीच में आपको स्क्रीन मिल जाती है और राइट साइड आपको टेम्परेचर कंट्रोल्स मिल जाते हैं। यहाँ पे आपको मोड्स मिल जाएंगे। AC कंट्रोल्स के ऊपर भी आपको यहाँ पे रेड इंसर्ट्स देखने को मिल जाते हैं जो कि काफ़ी बढ़िया लग रहे हैं देखने में। और यहाँ नीचे आपको मिल जाएंगे USB 12V सॉकेट, ऑल्सो टाइप सी पोर्ट भी दिया गया, ये भी काफ़ी बढ़िया फीचर मिल जाता है आपको इन लाइन में। टाइप सी पोर्ट आजकल काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है। ऑल्सो आपको यहाँ पे वायरलेस चार्जर भी मिल जाता है इन लाइन में। एंड अब ट्रांसमिशन की बात किया तो आपको इन लाइन में DCT देखने को मिलता है, ड्यूअल क्लच ट्रांसमिशन का यूज़ किया गया इन लाइन में जो कि आपके ड्राइविंग एक्सपीरियंस को काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव करने वाला है।
काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है आपको एनलाइन चलाने में। गियर लीवर के ऊपर आपको यहाँ पे एनलाइन की बैजिंग मिल जाती है, और सो आपको यहाँ पे रेड इंसर्ट्स भी दिए गए गियर लीवर के ऊपर। लेदर फिनिश में मिल जाता है आपको गियर लीवर, एंड लेफ्ट एंड राइट साइड आपको यहाँ पे क्रोम फिनिश में मिल जाती है। रिवर्स पार्किंग कैमरा की क्वालिटी की बात की जाए तो आपको यहाँ पे ठीक ठाक क्वालिटी मिल जाती है, हालांकि इस प्राइस पॉइंट पे आपको थोड़ी सी बेटर क्वालिटी दे देनी चाहिए थी। सेंटर कंसोल में आपको यहाँ पे ग्लोज ग्रे फिनिश मिल जाती है, और यहाँ पे आपको ड्राइविंग मोड्स मिल जाएंगे। ड्राइविंग मोड्स में आपको मिल जाते हैं नॉर्मल, इको एंड स्पोर्ट। हर एक ड्राइविंग मोड के हिसाब से आपको यहाँ पे अलग अलग थीम देखने को मिलते हैं क्लस्टर में, जो कि काफ़ी बढ़िया लग रहे हैं। वेल स्पोर्ट्स लगा के देखें तो आपको रेड मिलता है, नॉर्मल में ब्लू एंड ग्रीन में इको। और यहाँ सेंटर कंसोल में आपको टू कप होल्डर्स मिल जाएंगे, मैनुअल हैंड ब्रेक दी गई है विद अ क्रोम टिप। ऑल्सो आपको एनलाइन में आर्मरेस्ट भी दिया गया, आर्मरेस्ट में आपको यहाँ पे डिसेंट साइज का स्पेस मिल जाता है। आर्मरेस्ट भी आपको यहाँ पे लेदर फिनिश में मिलता है। एंड आईआरवीएम की बात की जाए आपको यहाँ पे मैनुअली डिमिंग अवे मिलता है। रूफ में आपको यहाँ पे लाइट्स मिल जाती हैं जो कि हैलोजन बेस्ड है, एंड इनके बीच में आपको सनरूफ का कंट्रोल मिल जाएगा। डिसेंट साइज के सनरूफ देखने को मिल जाते हैं आपको एनलाइन में। सनरूफ का ब्लाइंड भी आपको यहाँ पे ब्लैक कलर में मिलता है, एंड सन वाइजर के ऊपर आपको यहाँ पे वैनिटी मिरर दिया गया, और सन वाइजर ठीक ठाक ब्लॉक कर लेता है विंडो को, हालांकि ये कुछ ज़्यादा ही स्पेस छोड़ देता है। और रूफ में आपको यहाँ पे रिट्रैक्टेबल ग्रैब हैंडल्स मिल जाते हैं, एंड ड्राइवर साइड आपको टिकट होल्डर मिल जाएगा, और डैशबोर्ड में आपको यहाँ पे कुछ स्पेस मिल जाता है। डैशबोर्ड में आपको यहाँ पे रेड एम्बिएंट लाइटिंग मिल जाती है, जो कि काफ़ी बढ़िया लग रही है देखने में। एंड अब ग्लव बॉक्स की बात की जाए आपको यहाँ पे डिसेंट साइज का ग्लव बॉक्स देखने को मिल जाता है। ग्लव बॉक्स आपको यहाँ पे एयर कूल्ड दिया गया एनलाइन में, काफ़ी बढ़िया स्पेस मिल जाता है आपको ग्लव बॉक्स में भी। और अब फ्रंट सीट्स की बात की जाए आपको फ्रंट सीट्स के एडजस्टेबल मिल जाते हैं। ड्राइवर सीट 8 में एंड को ड्राइवर सीट आपको 6 एडजस्टेबल देखने को मिलती है। ड्राइवर सीट में आपको हाइट एडजस्टमेंट भी दी गई है, और सब एनलाइन में मेटल फिनिश के पैडल्स मिलते हैं जो कि स्पोर्टीनेस को और भी ज़्यादा बढ़ाने वाले हैं। सो चलिए अब चलते हैं रियर सीट्स पे। रियर डोर्स के ऊपर आपको यहाँ पे मिल जाएंगे पावर विंडो कंट्रोल, डोर पकड़ने के लिए स्पेस, और सो रियर डोर्स के ऊपर भी आपको यहाँ पे लेदर फिनिश दी गई है विद दैट स्टिचिंग्स। एंड यहाँ पे आपको मिल जाएगा ग्रे डोर हैंडल, नीचे आपको बोतल होल्डर मिल जाते हैं, और यहाँ पे स्पीकर दिया गया है। एंड आप गाड़ी में दिए गए स्पेस की बात की जाए आपको यहाँ पे काफ़ी बढ़िया स्पेस मिल जाता है आपको वेन्यू में। लेग रूम एंड नी रूम आपको यहाँ पे काफ़ी बढ़िया मिल जाते हैं। वेल आगे की ड्राइवर सीट में हेड के हिसाब से एडजस्टेड है, और ये सीट्स आपको स्कूप्ड मिलती है जिसकी वजह से स्पेस आपको यहाँ पे काफ़ी बढ़िया मिल जाता है। काफ़ी बढ़िया मैनेजमेंट की गई है यहाँ पे स्पेस की, और यहाँ पे थाई सपोर्ट भी आपको यहाँ पे ठीक ठाक ही दिया गया है। रियर सीट्स पे आपको यहाँ पे एसी वेंट्स मिल जाएंगे विद दैट इंसर्ट्स, नीचे आपको 2 USB टाइप सी पोर्ट्स मिल जाते हैं, और रूफ में आपको यहाँ पे एक लाइट मिल जाती है। एंड रियर सीट्स पे भी आपको यहाँ पे रिट्रैक्टेबल हैंडल मिलते हैं, और रियर सीट्स के हेडरेस्ट एडजस्टेबल हैं। 3 हेडरेस्ट मिलते हैं आपको रियर सीट्स पे, बट यहाँ रियर सीट्स पे आपको आर्मरेस्ट नहीं दिया गया, और रियर सीट्स आपको 60 स्पीड देखने को मिल जाती हैं। सो चलिए अब देख लेते हैं हुंडई वेन्यू का इंजन पे। एन लाइन में आपको मिल जाता है 1 का 300 टर्बो चार्ज इंजन। ये इंजन प्रोड्यूस करता है 118 पावर एंड 172 ऑफ टॉर्क। काफ़ी ज़्यादा पावरफुल इंजन देखने को मिल जाता है आपको हुंडई वेन्यू के एनलाइन वेरिएंट में, बट यहाँ पे आपको बोनेट इंसुलेटेड नहीं दिया गया। भाई साहब मजा आने वाला है भाई, पहले इसको एक बार वार्म अप होने देते हैं, फिर आपको इसकी आवाज़ सुनाता हूँ। क्या बढ़िया आवाज़ है यार। हाँ तो भाई वार्म अप हो चुकी है, अभी एक बार बाहर से सुनाता हूँ। और अब गाड़ी में दिए गए स्पेशल सेफ्टी फीचर्स की बात किया तो अपन जाते हैं 4 एयरबैग्स, ब्रेक असिस्ट, हिल असिस्ट एंड टायर प्रेशर मॉनिटर। सो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर सकते हैं आप, एंड चैनल पर डू सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।